हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज बच्चों जो हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 9। पिछले वीडियोस में जो हमने डिस्कस किए थे वहाँ पर हमने एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्कस कर चुके हैं। क्या उनका मैकेनिज्म रहता है, कैसे वो वर्क करते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब चूँकि हमने जनरेटर बना लिया है, जनरेटर पढ़ लिया है, तो अब उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई अब उसको मैं घर लेके आना है ना। तो आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेंगे डोमेस्टिक सर्किट्स, ठीक है, अर्थिंग और इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो आओ बच्चों बात करते हैं डोमेस्टिक सर्किट की। आज हमारे पास लिखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, हमें सिर्फ आज सारी चीज़ों को समझना है, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट्स, सबसे पहले तो हम डोमेस्टिक सर्किट समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर्किट क्या होता है। अब सर्किट क्या है कि मान लो आपके पास ये एक बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी है आपके पास, इसमें मैंने एक स्विच लगा दिया और यहाँ एक लगा दिया, मान लो मैंने कोई एक बल्ब लगा दिया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब अब देखो आपको पता है कि अभी तक इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पर हमने इसको मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V मान लिया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो बच्चों क्या होगा कि ये जब हम जैसे स्विच, अभी कैसा स्विच ओपन है तो सर्किट कैसा है, ओपन है यानी स्विच ऑफ है। जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो इसके अंदर यानी ये इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाएगा, चिपक जाएगा, ये हो गया हमारा स्विच क्लोज्ड। तो जब स्विच क्लोज्ड हो गया तो इसको हमने कहा कि ये क्लोज्ड सर्किट है। सर्किट क्या होता है बच्चों, एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा इंस्टॉलमेंट, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल एप्लीयंस, रेजिस्टेंस और बैटरी एक वायर्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से और वे कंप्लीट फॉर्मेशन करते हैं एक सर्किट की, ठीक है। ऐसे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट कह दिया। तो ये हो गया सर्किट, यानी सर्किट क्या है, एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अलोंग विद बैटरी जिसमें करंट फ्लो हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर्किट। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे बात हम डोमेस्टिक सर्किट्स की कि घरों में जो हमारे लाइट यूज होती है वो कैसी यूज होती है और कैसे वो हमारे घरों तक आती है, कैसे हम उसको लाते हैं अपने घरों तक, ठीक है। तो आ जाओ बात करते। देखो सबसे पहले हमें पता है कि जो लाइट है वो जनरेट होती है पावर स्टेशन पे और पावर स्टेशन से लाइट हमारे घर पर दो मोटे कॉपर वायर या एल्युमिनियम के वायरों से आती है। मान लो ये दो वायर्स हैं, ये हमारे घरों पे आते हैं जिनसे हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। इन दोनों वायर में से बच्चों एक वायर होता है जिसे हम बोलते हैं लाइव वायर, एक होता है हमारा न्यूट्रल वायर। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लाइव वायर, और इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल वायर, ठीक है। इंडिया में जो लाइव वायर है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है बच्चों, इसमें जो होता है 220 वोल्ट और इसमें होता है बच्चों 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल देखो कितना हुआ दोनों के बीच में, 220 वोल्ट भाई, इसमें इसको हटाओ तो कितना आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, 220 वोल्ट। ये होता है हमारा पोटेंशियल दोनों वायरों का, ठीक है बच्चों। अब ये पावर स्टेशन से हमारे पास जो लाइव वायर आया, जो लाइव लाइव वायर आया, ये एंटर करता है हमारे घर के जस्ट बाहर एक मेन स्विच होता है, या कहते हैं मेन फ्यूज, एक मेन फ्यूज में एंटर करता है, इसको बोलते हैं मेन फ्यूज, ठीक है। इस मेन फ्यूज में एंटर करने के बाद इसका जो इसके बाद लगा होता है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मीटर, क्या लगा होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है। उसमें मान लो कुछ भी लिखा है 2568 है ना, किलोवाट जो भी है, वो हमारे पास एक मीटर लगा होता है जो कि हमें जो विद्युत विभाग है हमारा है ना, जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड कराता है दोनों ही चीज़ें, ठीक है। इसमें इस मीटर के अंदर आती है, इस मीटर जो हमारे पास घरों के आपने बाहर देखा जो इलेक्ट्रिसिटी को रीड करने वाला मीटर लगा होता है उसके अंदर ये एंटर करता है। वहाँ पर ये बताता है मैं कि कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है,
ठीक है, उसी के साथ हम बिल पे करते हैं। यहां से निकलने के बाद बच्चों ये हमारे पास जाता है एक हमारे मेन स्विच में, किसमें जाता है, मेन स्विच में। ये दोनों कैसे जाते हैं, मेन स्विच में एंटर करते हैं हमारे। मेन स्विच में एंटर करने के बाद यहां पर दो ऐसे स्विच लगे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसको मैं S1 बोल दूं, इसको S2 बोल सकता हूं। ये दो मेन स्विच होते हैं। इसके बाद यहां पर एक फ्यूज लगा होता है जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमर्स फ्यूज। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स फ्यूज, कंज्यूमर्स फ्यूज, ठीक है। और ये इस तरीके से इसके अंदर से एंटर करता हुआ निकलता है, ठीक है। यहां से निकलते हुए दोनों ही वायर, ठीक है, क्या करते हैं दोनों वायर, क्या करते हैं ऐसे मान लो यहाँ इस तरीके से आ गए, ठीक है। मैं थोड़ा इसको लंबा ले रहा हूँ ताकि मैं एक सीरीज में बना पाऊँ इसको। ये दोनों वायर आ गए, एक वायर ये लाइव वायर गया, ये लाइव वाला है, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइव। ये गया मेरा न्यूट्रल वायर, ठीक है। अब इस लाइव वायर पर क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं अपने घरों के इंस्ट्रूमेंट्स का। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये हमारा न्यूट्रल वायर, ये हमारा लाइव वायर, दोनों जा रहे हैं। इस लाइव वायर से मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन करता हूँ, ठीक है। और ये कनेक्शन हमारा होता है इस तरीके से, मान लो यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा दिया और इस पर मैंने एक जोड़ दिया, क्या मान लो इस पर एक बल्ब जोड़ दिया, ठीक है। और ये दूसरा वाला इसका कनेक्शन कहाँ जुड़ा होता है, इससे। ऐसे ही मैं आगे एक और इंस्ट्रूमेंट जोड़ना चाहता हूँ तो उसको फिर से मैं कहाँ से लूँगा, लाइव वायर से। इसको मैंने इस पर जोड़ा, कनेक्ट किया, यहाँ पर एक स्विच लगाया, इसको मैंने मान लो किसी और इंस्ट्रूमेंट, मान लो मैंने कि इसको किसी थ्रेड प्रेस या जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे लगा दिया, ठीक है। ऐसे इसको मैं इससे जोड़ देता हूँ और इसको जोड़ देता हूँ इससे, न्यूट्रल वायर से। और ये आगे ऐसे चला जाता है, आगे और चीज़ होंगे, और चीज़ जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा एक सिस्टम डोमेस्टिक सर्किट का। क्या होता है, सबसे पहले लाइव वायर जिसका पोटेंशियल 220 वोल्ट, न्यूट्रल वायर जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट, दोनों हमारे मेन फ्यूज में घुसते हैं घर के। घर में घुसने के बाद मेन, जो ये मेन फ्यूज में एंटर होने के बाद ये हमारे 2568 किलो वाट है, जो भी हो इसका मीटर की रीडिंग, ये रीडिंग लिख दी मैंने। वैसे तो ये क्या है हमारा, क्या ये इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है, ये मीटर है, ये रीडिंग करता है किसकी, यूनिट्स की रीडिंग करता है, किसकी, यूनिट्स की। कौन प्रोवाइड कराता दोनों चीज़ें हमें, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। उसके बाद हमारे घर में फिर मेन स्विच होता है, मेन स्विच से हमारा जुड़ा होता है बच्चों कंज्यूमर्स फ्यूज। ये फ्यूज हमारा खुद का होता है, कंज्यूमर्स फ्यूज, ठीक है। क्या काम होता है सबका अभी बताऊँगा मैं आपको। फिर क्या होता है कि जो लाइव वायर है इस पर हम एक वायर लेते हैं, जिस चीज़ को हमें कनेक्ट करना होता है उसको हमें जोड़ देते हैं। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये लाइव वायर है, इसका पोटेंशियल 220 वोल्ट है, मतलब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करता हुआ आएगा, ये करंट फ्लो करता हुआ आया ये लाइव वायर। इस लाइव वायर को देखो, लाइव वायर को देखो, इस लाइव वायर पर मैंने क्या किया, करंट वाली कोई चीज़, यहाँ पर मैंने एक वायर लगा दिया और उससे मैंने अपने बल्ब को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। अब जैसे ही मैं इसको टच कराऊंगा, वैसे देखो इसका यहाँ पर इस वाले वायर से जुड़ गया, तो देखो 220 वोल्ट और इधर कितना है 0 वोल्ट, मतलब इन दोनों तार के बीच का जो डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है। अब मान ले इधर अगर मैंने ऐसे करके कोई सर्किट बनाया, इधर एक बैटरी बना दी ऐसे, अगर इसका मतलब 220 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या है कि जब करंट फ्लो करेगा या जब सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 220 वोल्ट। अरे यही तो मतलब है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 220 वोल्ट है, मतलब जब एक दूसरे का एक कंप्लीट सर्किट बनाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे 220 वोल्ट के डिफरेंस पे जाएंगे। 220 वोल्ट जो 220 वोल्ट का डिफरेंस है, जैसे ही डिफरेंस क्रिएट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट जब ही फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, तो सिंपल सी बात है, जैसे देखो ये आया वायर लाइव वाला, ये अब देखो क्या हुआ, ये लाइव वाला वायर है, ये लाइव वाला मैं लिख देता हूँ उस पर दोबारा, ये लाइव वाला वायर चल रहा है और ये एन वाला वायर चल रहा है न्यूट्रल,
ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये लाइव वाले में करंट कितना है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल इन दोनों के बीच में। ये हायर पोटेंशियल पर, ये नीचे वाला लोअर पोटेंशियल पे। करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे जैसे ही देखो सर्किट कंप्लीट हुआ, ये देखो सर्किट कंप्लीट हो गया, ये सर्किट कंप्लीट हो गया, वैसे ही क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सर्किट जब कंप्लीट होगा, जब इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्विच को क्या कर देंगे, अभी स्विच ऑफ है, इस स्विच को जैसे ही हम इसमें ऑन करेंगे वैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ये ग्लो करने लग जाएगा, ये बल्ब लाइट देने लग जाएगा हमको। दूसरा, इस पर फिर हमने क्या कर रखा है, आगे इस लाइव वायर पर क्या लगा रखा है हमने, एक लाइव वायर पर क्या लगा रखा है हमने, एक फिर से स्विच लगा रखा है। यहाँ पर ये किसी का प्लग है, ठीक है, किसी का प्लग है, मान लें हम मान लें प्रेस का या फैन का, या आपने ऐसा प्लग ले लिया जिसमें थ्री पिन होते हैं। आपने देखो थ्री पिन होते हैं, आपने देखो प्रेस जो होती है, आयरन जो होती है, उसके अंदर थ्री प्लग्स होते हैं, दो नीचे इस तरीके से, आपने देखा हो तो इस तरीके से वो होता है वायर, और इसके अंदर थ्री होते हैं, एक यहाँ लगा होता है, दो यहाँ लगे होते हैं इस तरीके से, है ना, दो, तो ये थ्री प्लग वायर होता है। अब पहली चीज़ तो ये कि इसमें एक तो हमने किस में कनेक्ट कर दिया, इस लाइव वायर में, और एक किस से कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल वाले से। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा ये काम करने लग जाएगा और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो, इससे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी हमें इसका आउटपुट चाहिए, करंट फैन से है तो फैन चलने लग जाएगा और आयरन है तो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है सर, सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारे घर में जो सिस्टम आया उसमें देखो हमने चीज़ देखी, यहाँ पे जो थ्री प्लग था इसमें थर्ड वाले प्लग का काम क्या था, जो थर्ड वाला जो तुम्हारे पास तीन थे ना ऐसे, इस तरीके से तीन, दो तो नीचे होते हैं ऐसे और एक ऊपर होता है ना भाई, मैंने क्या बताया था आपको, ऐसे करके देखो उसमें तीन होते हैं तो एक ऊपर और दो नीचे होते हैं, इसमें एक तो लाइव वायर का, एक न्यूट्रल प्लग का, एक तीसरा वाला क्या है, तो तीसरा वाला जो बच्चों होता है अर्थिंग का, किसका होता है, अर्थिंग का। यानी अर्थिंग कैसे कनेक्ट होती है बच्चों, जो हमारा ये मीटर है इसको मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगा, इस मीटर से लगा हुआ होता है ये अर्थिंग वाला वायर, इसमें एक कॉपर लगा होता है बच्चों, कॉपर की प्लेट होती है जो अर्थ के अंदर दबी हुई होती है, बात समझ में आई। इसमें एक वायर जो होता है ये इससे मेन फ्यूज, इलेक्ट्रिक मीटर जो होता है उससे मेन उससे जुड़ा हुआ होता है और इसके अंदर एक यहाँ पर कॉपर की प्लेट लगी होती है और इसको हम जमीन के अंदर दबा देते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे पोल्स होते हैं, उन पोल्स के पास एक वायर लगा होता है और वो वायर नीचे ज़मीन में गड़ा हुआ होता है, जहाँ भी पोल्स होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम घर में भी क्या करते हैं, एक तार लगा देते हैं तो हम कहते हैं कि वो अर्थिंग बनी रहे और वोल्टेज सही आए, ऐसा सोचते हैं, लेकिन अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ लगाने से वोल्टेज से नहीं आते, अर्थ लगाने से क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगा क्या होने वाला है अर्थिंग से। तो हमने देखा वो लट्ठे के पास भी जो हमारा पोल लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का, उसके पास भी एक तार आएगा ऊपर से और वो तार ऐसे नीचे जमीन के अंदर गड़ा हुआ होता है। तो वो तार यहाँ से मान लो आया, या तो हमारे यहाँ मेन स्विच से या फिर जहाँ पोल लगा हो वहाँ से, उसमें एक प्लेट लगी होती है और ये तार भी इनके पैरेलल चलता है ऐसे, ठीक है, ये डॉटेड वाला वायर है, ये कौन सा वायर है हमारा, ऐसा ये अर्थिंग का वायर है, ये हमारा कनेक्ट होता है इससे, ये अर्थिंग का वायर है। क्या काम है इसका वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो आपको क्या डोमेस्टिक सर्किट समझ में आया, मैंने क्या बताया, सबसे पहले लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आते हैं, ये जिनके बीच का पोटेंशियल कितना डिफरेंस होता है, 220 वोल्ट, ठीक है, ये सबसे पहले हमारे मेन फ्यूज में एंटर करते हैं, मेन फ्यूज के बाद हमारे इलेक्ट्रिक मीटर जो रीडिंग मीटर होता है उसके अंदर कनेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर एंटर करते हैं हमारे घर के मेन स्विच में, फिर मेन स्विच से हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक ये कंज्यूमर फ्यूज होता है, कंज्यूमर फ्यूज हम लगाते हैं अपने घरों में, इससे तक कि क्यों लगाते हैं अभी बताएंगे हम आपको आगे। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये कंज्यूमर फ्यूज में जाता है, कंज्यूमर फ्यूज से फिर क्या होता है बच्चों, ये हमारे अंदर कि घर की जो सप्लाई है उसमें हम क्या करते हैं, लाइव वायर पे जोड़ते हैं एक स्विच को। अब आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर एप्लीकेंस बल्ब फैन जो भी जोड़ना है उसमें जो स्विच होता है वो हमेशा किस पे लगा हुआ होता है, लाइव वायर पे, स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द लाइव वायर, क्लियर है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, देखो अब आपने चीज़ देखी होगी, ये लाइव वायर पे, ये न्यूट्रल पे, ये लाइव पे, ये न्यूट्रल पे, अगर मैं इस स्विच को ना भी चलाऊं, इस स्विच को ना भी चलाऊं तब भी करंट तो इधर जा ही रहा है ना, इधर लाइव वायर की वजह से, क्योंकि इधर जो
चार्ज जा रहा है वो कहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा। तो आप बताओ क्या इसको बंद करने से इस पर कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इसका सर्किट यहाँ कंप्लीट हो गया, इससे मतलब ही नहीं है। तो ऐसे कनेक्शन हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। अब आपने देखा होगा अपने घरों में जो हमारी लाइट आती है उसमें क्या होता है बच्चों, देखो अपने स्विच जो अगर लाइट का बल्ब का स्विच दबाएंगे हम, बल्ब का स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाएगा, फैन का करेंगे तो फैन चल जाएगा। तो ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं बच्चों पैरेलल कनेक्शन। क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन। तो ये पैरेलल कनेक्शन में हमें हमेशा हमारे घरों में हम बिजली की जो भी लाइट को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो पैरेलल कनेक्शन में करते हैं। ये आपको याद रखनी सारी चीज़ें, कनेक्शन कैसे करना है हमेशा पैरेलल में। तो आपको ये बात समझ में आ गई हो किस तरीके से आती है। अब हम बात करते हैं अर्थिंग की। किसकी बात करते हैं? अर्थिंग की। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी कि लाइव वायर होता है ये बच्चों किस कलर का होता है? रेड कलर का। किस कलर का होता है? रेड कलर का। न्यूट्रल वायर हमारा मोस्टली होता है बच्चों किस कलर का? ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का। और जो अर्थिंग वाला वायर है, ये जो वायर है, ये जो लगा हुआ है, ये हमारा किस कलर का है? ये जो हमारा अर्थिंग वाला वायर है ये होता है हमारा ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्किट कैसे हमारे घरों तक लाइट पहुंचती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये अर्थिंग वायर क्या काम करता है। ठीक है, अर्थिंग वायर क्या काम करता है? तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि भाई जो हम कनेक्शन करते हैं घरों में वो क्या क्या कैसा होता है? पैरेलल में। क्यों होता है पैरेलल में? ताकि एक चीज़ को बंद करने से दूसरी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। आपने देखा होगा शादियों में जो लाइटनिंग होती है उसमें क्या होता है कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो सारे बंद हो जाते हैं। मान लो अगर यहाँ से ऐसे करके मैंने एक लाइटिंग लगाई, ऐसे ऐसे मैंने क्या किया, बहुत सारे बल्ब लगा दिए ऐसे सीरीज में। अब मान लो यहाँ से लाइट फ्लो कर रही है, किसी तरीके से ये बल्ब फ्यूज हो गया। कैसा हो गया? फ्यूज हो गया, मतलब बेकार हो गया बल्ब। ठीक है, कनेक्शन टूट गया तो ये आगे वाले अपने आप ही बंद हो जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? सीरीज। इसलिए हम घरों में सीरीज कनेक्शन नहीं करते कि एक चीज़ बंद करी, पता चली पंखा बंद किया, सब एक ही तार पे लगे हुए हैं, सब चीज़ें बंद हो गई। ठीक है, तो हमेशा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता लाइट का घरों में? पैरेलल में करते हैं ताकि उसे एक और फायदा। आपको पता पैरेलल में एक चीज़ सेम रहती है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आपको जब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है, जबकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और करंट डिवाइड होता है। अब पोटेंशियल सेम रहेगा तो उनको उनकी हर सर्किट में पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो करंट भी उनको प्रॉपर मात्रा मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? पैरेलल कनेक्शन करते हैं। क्या एडवांटेज है? एक तो हमें सबको लिए अलग अलग स्विच करने से एक का इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ेगा, एक का सर्किट टूटेगा तो उसका दूसरे वाले सर्किट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा फायदा क्या है पैरेलल का? कि हमें एक स्विच से एक ही चीज़ को कंट्रोल करने का फायदा होता है ताकि बाकी सबको इफेक्ट ना हो और सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहता है पैरेलल में। ठीक है, आगे बात करें बच्चों हम अर्थिंग की। जो मैंने आपको दिखाया था अर्थिंग का वायर क्या करता है ये, ठीक है, अर्थिंग का वायर क्या करता है इसको हमें समझेंगे। अर्थिंग होता क्या है? अर्थिंग का मतलब होता है, देखो आपने देखा होगा कि जो हमारी आयरन्स वगैरह होती हैं, जो प्रेस वगैरह होती है, आप जानते हो जनरल भाषा में उसको हम प्रेस कहते हैं, आयरन जो होती है उसमें हमें कभी कभार शॉक लग जाता है कि हमने जैसे उसकी मेटल की बॉडी को टच किया और हमें झटका लग गया, एक शॉक लग गया। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक कोई प्रेस है, ठीक है, ये कोई प्रेस मान लो, हम मान लेते हैं हम एक ऐसी, ठीक है, ये हैंडल, यहाँ पर ये इसकी कॉइल लगी है मान लो, जो रेस्ट हाई रेस्ट गर्म होती है, इसके अंदर एक ये लाइव वायर और एक ये न्यूट्रल वायर। ठीक है, अब मान लो किसी तरीके से ये वायर इसमें छू गया तो जैसे आप इसको टच करोगे ना तो अब ये पोटेंशियल कहाँ है इसमें, इसके अंदर भी फ्लो करेगा, करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। हम जैसे इसको हमारे अंदर ये टच हो गया, हमें लगेगा एक बेहतरीन बढ़िया सा शॉक। इस शॉक को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस शॉक वी अर्थ द मेटल बॉडी ऑफ
मेटल बॉडी ऑफ एप्लायंस, अर्थ करते हैं उसको। अर्थ का मतलब क्या है कि इसमें एक अर्थ का एक ऐसा वायर जोड़ते हैं जो कहाँ जाता है, वो जो वायर हमने पोल से लगाया था उसमें, कैसे यहाँ पर अब हम क्या करते हैं इसमें एक अर्थिंग का वायर लगा देते हैं। ये वायर लगा दिया जो अर्थिंग का वायर है, ये हमारा मान लो यहाँ से आ रहा सॉकेट के अंदर, ये लाइव, ये अर्थिंग, ये अर्थिंग वाला जो वायर बनाया था वो कहाँ ले जाएगा उसको, उस वो अर्थ के नीचे जो हमने वायर लगाया था ना यहाँ पर, अर्थ के नीचे दबा हुआ है इसके अंदर ले जाएगा और हम शॉक से बच जाएंगे। जैसे करंट इसके अंदर फ्लो हुआ, इसने क्या किया, इसने सारा करंट कहाँ पहुँचा दिया, अर्थ में, क्योंकि अर्थ तो जितना चाहे उतना करंट दे दो और जितना चाहे उतना उससे ले लो, तो ये सारा का सारा करंट कहाँ पहुँचा देगा, अर्थिंग में, और हम शॉक से बच जाएंगे, हम शॉक से बच जाएंगे। और अगर ऐसा अर्थिंग नहीं हो, फिर मेटल को अगर छू लिया हमने, या मान लो ये किस तरीके से ये भी कनेक्शन टूट जाए, अब छू के दिखा दो, तो भाई साहब कहते हैं ना वो नानी याद आना, वो आ जाएगी, है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई अर्थिंग का मतलब क्या करता है, ये हमें बचाता है शॉक से। अगर मान लो इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए यहाँ पर, मान लो फट जाए ये वायर, टॉर्न आउट हो जाए, या किसी तरीके से गलती इसके अंदर ये लाइव वाला वायर से टच हो जाए, तो उस कंडीशन में इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा, और गलती से हमें टच हो गया तो हम क्या करेंगे, हमें शॉक लग जाएगा। इसलिए ये वायर जो होता है अर्थिंग वाला वायर होता है, इसको हम कनेक्ट करते हैं किससे, इससे अर्थिंग मेटल बॉडी से, और ये हमारा सारा का सारा जो चार्ज इसके अंदर फ्लो होता है उसको कहाँ पहुँचा देता है, अर्थिंग में, और हमें शॉक नहीं लगता क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इसका पोटेंशियल जीरो वोल्ट पे चला जाता है। तो अर्थिंग क्या है, ये एक मेथड है ताकि हम शॉक उससे बच सकें, किससे, शॉक से, ठीक है, ओके। अब देखो हमने आपको बता दिया कि भाई आपको क्या क्या याद रखनी है कि लाइव वायर इज ऑफ रेड कलर, बता चुका हूं मैं आपको, ये कुछ छोटी मोटी बात याद रखनी है। न्यूट्रल वायर किस कलर का होता है, इज ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। और जो हमारा अर्थिंग वाला वायर होता है, अर्थिंग वायर, वो होता है हमारा ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का। और आपने देखा भी होगा जब कोई ऐसे वायर आता है ऐसे प्लास्टिक का इंसुलेशन, उसके अंदर तीन वायर निकलते हैं ऐसे, ऐसे इसके अंदर तीन वायर निकलते हैं ऐसे, है ना, इसके अंदर ऐसे, ठीक है। ये अगर ग्रीन है, एक रेड है, ठीक है, और एक ब्लैक है। तो लाइव वायर को तो रेड होता है, तो लाइव को समझ जाएंगे, लाइव वो है, ये लाल है तो राइट, ठीक है। और ये अर्थ वाला ग्रीन, क्योंकि धरती भी कैसी है, ग्रीन, ठीक है, घास खूब है, और ब्लैक न्यूट्रल, ठीक है। तो ये होता है हमारा अर्थिंग, क्या करती है अर्थिंग, हमें शॉक से बचाती है। क्या करते हैं अर्थिंग में, जो बॉडी की मेटल की बॉडी है उसको हम उस वायर से कनेक्ट करा देते हैं, और ये बॉडी सारा का सारा चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसको अर्थिंग के पास पहुंचा देती है। आपने अगर हम कभी लकड़ी, आपने देखा होगा अगर हम चप्पल पहन के, प्लास्टिक की चप्पल पहन के, या फिर हम लकड़ी पे खड़े हो जाएं, तो हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम क्या होता है उसको पूरा सर्किट नहीं बनता। और अगर हम नंगे पैर खड़े हो जाएं, फिर और ज़मीन पे खड़े हों, फिर क्या होता है, जैसे ये टच होता है हमें पूरा हम एक सिस्टम बन जाते हैं उस सर्किट का, और करंट हमारे अंदर से फ्लो करता है बॉडी, तो हमें पूरी बॉडी शॉक में आ जाती है, और हमें खूब तेज जोरदार जर्क लगता है, झटका लगता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्थिंग। अब बात करते हैं जो हमने घर के अंदर एक फ्यूज लगाया था, याद हो आपको, फ्यूज, कंज्यूमर्स फ्यूज नाम का, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। आज बच्चे बहुत खुश होंगे कि क्या लिखना नहीं पड़ रहा है सर, सिर्फ थ्योरेटिकल है, समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक वायर होता है, इज ए सेफ्टी डिवाइस, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस ऑफ शॉर्ट लेंथ, छोटी सी लेंथ की, शॉर्ट लेंथ, मेड ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, विच ब्रेक्स डाउन ऑन एक्सेसिव
फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, ये एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस होती है जो वह छोटी होती है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर की बनी होती है, यानी एक कॉपर वायर होता है ऐसे, जैसे मान लो ये हमारा एक सॉकेट है, इसके अंदर ये लाइव वायर आया, यहाँ से ये इसके बीच में हमने लाइव वायर जो कनेक्शन आ रहा है इसके बीच हमने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। ठीक है, जैसे इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा ये इसको गर्म होकर इसको तोड़ देगा, यहाँ से टूट जाएगा, इसे हम कहते हैं फ्यूज। क्या कहते हैं? फ्यूज। तुमने क्या कहा कि ये एक बहुत ही एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो छोटी सी होती है, टिन प्लेटेड कॉपर की, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि टूट जाता है जब ज़्यादा करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्यों पड़ती है हमको, कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमारे घरों में लाइट ज़्यादा मात्रा में फ्लो करने लग जाती है। ठीक है, वो दो कारणों से होती है, ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है जो होता है, एक तो शॉर्ट सर्किट की वजह से, किसकी वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से, या फिर ओवरलोडिंग की वजह से, शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, मान लो एक लाइव वायर है, ठीक है, एक लाइव वायर है, ये लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर है, मान लो लाइव वायर किसी तरीके से टॉर्न हो गया, फट गया, फट के मान लो किसी तरीके से इसमें छिल गया, इसमें छू गया, टच हो गया यहाँ पर। अब टच होने पर क्या होगा, देखो जैसे टच होगा इसका इसका जो सिस्टम हो इसका एरिया बढ़ जाएगा, टच होगा तो मतलब इसको ज़्यादा जगह मिलेगी, इसको ये जो इसके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है इसको ज़्यादा जगह मिलेगी फ्लो करने की, ज़्यादा जगह फ्लो करते ही क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा कम, क्योंकि एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल, रेजिस्टेंस स्मॉल होते इसमें करंट तेजी से फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होने से करंट तेजी से फ्लो होता है, ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाएगा और हमारा एप्लायंस खराब हो जाएगा, इवन इतना करंट फ्लो होने लग जाएगा कि उसमें आग भी लग सकती है, इट मे कॉज फायर, फायर लग सकती है, आपने देखा बहुत बार आग शॉर्ट सर्किट होने से आग लग जाती है, तो ये कारण होता है कि जब भी लाइव वायर टॉर्न हो जाता है, फट जाता है, तो क्या होता है वो इससे टच हो जाएगा किस तरीके से, और इसमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस स्मॉल होने की वजह से ये क्या करने लग जाएगा, ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, जो कि इतना हुआ कि जिससे आग भी लग सकती है, तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या होता है इसमें, व्हेन अ टॉर्न लाइव वायर टचेस न्यूट्रल वायर देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम वेरी स्मॉल एंड कैन कॉज फायर, कैन कॉज फायर, फायर भी लग सकती है। ठीक है, ओवर क्या समझ आया कि जब एक शॉर्ट सर्किट में क्या होता है बच्चों, एक लाइव वायर कैसा हो जाता है, टॉर्न हो जाता है, और वो किससे टच हो जाए, न्यूट्रल वायर से, और से टच होने के बाद क्या हो जाए, उसके अंदर टच होगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिससे करंट ज़्यादा फ्लो होने लग जाएगा, और वो ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो आग भी लगा सकता है। क्लियर है, बात करते हैं यहाँ पर ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग का तो अपन क्या करते हैं कि एक अपने पर थ्री प्लग लेके आ जाए, थ्री प्लग मतलब जिसमें एक ही प्लग पे बहुत सारे अपने प्लग लगा दिए, ठीक है, एक ही स्विच में बहुत सारे अपने क्या किया, अपन ने तार छोड़े, तार लगा दिए, तो अपन करते हैं ना घरों पे कि इस एक तार इसका पकड़ा, उसको छीला हमने, और उस पर फिर दूसरा तार लिया, उसको भी छीला, दोनों को लगाया और लगा दिया। अब उस सर्किट पे सोचो कितना लोड पड़ रहा है, खूब लोड पड़ रहा है, ज़्यादा लोड पड़ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग जब होती है तो सारे जितने भी एप्लायंस होते हैं उन सबको अपने अपने लिए करंट चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए तो इसका मतलब ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, हीट एनर्जी बढ़ेगी, जो कि फिर से क्या कर सकती है, आग लगाने का काम कर सकती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, व्हेन टू मैनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड ऑन सेम प्लग, ठीक है, देन इट ड्रॉज
ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विच कैन हार्म appliances and can cause fire. ये भी सेम है. तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचने के लिए अपन क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूल. मान लो अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है कहीं पे, तो क्या होगा, पूरा सिस्टम में आग लग सकती है. उस आग से बचने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज का. किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का. अब मान लो मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास जो भी appliance है, मान लो यहाँ पर मेरे पास एक appliance है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये एक appliance है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ये, ठीक है, ये लाइव वायर आया, न्यूट्रल वायर आया, और यहाँ के इनके बीच में अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक लगा दिया फ्यूज. क्या लगा दिया, फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज. अब मान लो इसमें किस तरीके से इसके अंदर कुछ भी हो गया, यहाँ पर टॉर्न हो गया, या मान लो इस पर हमने बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया, यहाँ पर एक दो तीन इसके साथ और लगा दिए, तो जैसे ही ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो पर इस जो फ्यूज होता है उसका देखो क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है. कैसा है, लो मेल्टिंग पॉइंट. जैसे करंट ज़्यादा फ्लो होगा इसके अंदर, ज़्यादा करंट फ्लो होने पे क्या होगा, ये झेल नहीं पाएगा, ये बहुत गर्म हो जाएगा, गर्म होते ही क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और टूटते ही क्या हो जाएगा, ये सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा, और कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं आग नहीं लगेगी, ठीक है. क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा. क्यों ब्रेक डाउन है, क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. अब कितना इसका लो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, हमें कितना करंट चाहिए. मान लो हमें 10 एम्पियर चाहिए करंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर. जैसे ही 11 जाएगा इसके अंदर, ये 11 खींचने की कोशिश करेगा, ये टूट जाएगा, ठीक है. मतलब एक्सेसिव करंट नहीं ले सकते, डिपेंड करता है इसका कि हमें कितना करंट ड्रॉ करना, उसके हिसाब से हम इसकी मोटाई रखते हैं. मेन काम क्या है इसका, सर्किट को ब्रेक डाउन कर देना, कब, जब करंट ज़्यादा पास हो. तो ये हो गया हम इलेक्ट्रिक फ्यूल. आजकल आपने एक नई चीज़ सुनी होगी जो यूज़ होती है घरों में, MCBs यूज होती हैं. क्या होता है ये, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है. अच्छा आपने एक चीज़ देखी, ये किस पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जैसे करंट ज़्यादा होगा ये हीटिंग हीट होकर टूट जाएगा, इट ब्रेक्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. किस पे काम करता है ये, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है. तो चाहो तो आप इसको लिख लें कि जो फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, ठीक है, मैं ही लिख देता हूँ, इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है. कौन, फ्यूज किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो ये टूट जाएगा गर्म होके, ठीक है. मैं बात कर रहा था किसकी, MCB की. आ जा भाई MCB देख ले, क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. मिनिएचर यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो आ नहीं रहा है कैमरे में, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है. ये किस पे काम करता है, ये काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे, ठीक है. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या पढ़ा था आपने, कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक, जब भी कभी वायर में, कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो अपने आप चारों तरफ एक क्या बना लगाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है. तो करते क्या, जो हमारे पास ये जो आपने देखा होगा इस तरीके से होती है हमारे पास, ये इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे ऐसे ये लगे होते हैं MCBs, है ना, ट्रिप बोलते हैं इसको. होता है क्या कि जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने पे बच्चों क्या होता है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है. जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी इसके अंदर एक जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो आपको पता है ज़्यादा करंट फ्लो होने पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है. वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसके आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है. जब एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों, कब दिखाई देगा, जब इसके अंदर मैग्नेट बनेगी. वो मैग्नेट क्या करती है, आपको पता है, एक फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स की वजह से ये क्या होते हैं, अपने आप ही अपनी जगह से हट जाते हैं, और जैसे हटेंगे तो वैसे ब्रेकर टूट जाएगा. जैसे ऐसे मान लो कि ये मान लो कोई चीज़ रखी हुई है, या मैग्नेटिक फील्ड इधर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. अब जैसे करंट फ्लो होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होने पर ज़्यादा तेज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ज़्यादा तेज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये अपनी जगह से हट जाएगा. मान लो ये ऐसा रखा है तो हो सकता है ये हट के ऊपर हो जाए. बस जैसे ही हटा, हटते ही क्या हुआ, करंट फ्लो होना टूट गया.
और जैसे ये करंट फ्लो ना टूटा वैसे सर्किट बच गया, हमें आगे किसी चीज़ को नुकसान नहीं होगा क्योंकि करंट अब आगे जाएगा ही नहीं। तो ये जो MCB है वो किस पे काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। फ्यूज किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या यूज होता है, MCB का यूज क्या होता है। सेम ही यूज है, दोनों ही सर्किट को ब्रेक करती हैं, पर ये हीटिंग इफेक्ट पे और ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। अर्थिंग क्या होती है, हमें शॉक से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल को वायर अर्थिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं और वो सारा का सारा जो चार्ज होता है उसको अर्थ के अंदर पहुंचा देती है। ठीक है, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज में बचाता है शॉक से, ठीक है, करंट फ्लो ना हो। ठीक है, फ्यूज क्यों लगाते हैं, ताकि हम ओवरलोडिंग या जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो हम किसी बड़े हादसे से बच सकें। तो ये था हमारा टोटल डोमेस्टिक सर्किट कैसे बनता है। एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच पोटेंशियल 220 वोल्ट का, क्लियर है। एक अर्थिंग वायर होता है जो हमें क्या करता है, शॉक से बचाने का काम करता है। ठीक है, दोनों पहले एंटर करते हैं हमारे मेन फ्यूज में, मेन फ्यूज की वजह उसके बाद मीटर में, मीटर के बाद आते हैं हमारे स्विच में। और स्विच में भी हमारे देखो क्या होता है बच्चों, दो तरीके के होते हैं, एक होता है 5 एम्पियर का, एक होता है 15 एम्पियर का। ठीक है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक स्विच यूज़ करते हैं 5 एम्पियर का नॉर्मली, क्योंकि हम जो एप्लायंस यूज़ करते हैं उनको इतने करंट की जरूरत होती है। और अगर हैवी कुछ यूज़ कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं, 15 एम्पियर वाला स्विच ले लेते हैं। मोस्टली होता है उनके बीच का आता है स्विच हमारे घरों पे। फिर उसके बाद हम एक फ्यूज में जाता है, फ्यूज का वही काम है क्या, हमें बचाना किससे, किसी हादसे से, कहीं शॉर्ट सर्किट या कहीं कुछ भी होता है तो फ्यूज अपने आप ब्रेक डाउन हो जाए क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फिर वो हमारे घर में एंटर करता है। हमेशा सर्किट जो बनाता है, स्विच जो होता है, स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू लाइव वायर। ये ध्यान रखना आपको, हमेशा स्विच किस पे कनेक्ट होता है, लाइव वायर पे। ठीक है, उसके बाद फिर सर्किट जैसे स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। और जो हमें चाहिए, आयरन अगर यूज़ कर रहे हैं तो आयरन में करंट, आयरन को हीट कर देगा, बल्ब में यूज कर रहे हैं तो बल्ब चलने लग जाएगा, फैन चला रहे हैं तो फैन चलने लग जाएगा, डेट्स इट। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ डोमेस्टिक सर्किट वर्क्स एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट्स वी आर यूजिंग इन डोमेस्टिक सर्किट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और लगभग ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। और आजकल आपको पता है जो कोरोना पीरियड चल रहा है, तो उसमें घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।